सबसे पहले तो वंदना मैम, थैंक यू सो मच, इतने शॉर्ट नोटिस में आपने हमारे लिए ये सारा ऑर्गेनाइज किया। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले कहा था, हमारे बीच डॉक्टर हर्षदीप जोशी हैं, एमडी कम्युनिटी मेडिसिन, और ये आपकी खातिर एक अवेयरनेस सीरीज प्रोग्राम है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, तो इनकी एमडी भी हैं। और हम चाहेंगे कि जैसे अब आपका आज लास्ट वर्किंग डे है, आपकी वोकेशन शुरू हो रही है, और इस दौरान आपके साथ साथ में 2 महीने रह गए हैं आपके पेपर्स के लिए, स्टडीज़ के साथ साथ फैमिली प्रेशर होता है, मेंटल प्रेशर रहता है, इन सब पे आपका जो वेल बीइंग है उस पर हम चर्चा करेंगे। और मैं चाहूँगी कि अगर आपके पास अपने कुछ क्वेरीज हैं, आप आपके बीच डॉक्टर हर्षदीप जोशी हैं, आप इनसे सीधे बात कर सकते हैं, आप जान सकते हैं कि आपको क्या रेमेडीज लेनी चाहिए, आपको अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, आप डायरेक्ट इनसे बात कर सकते हैं। आगे की प्रोसीडिंग शुरू करते हैं। और मैं चाहूँगी कि सबसे पहले डॉक्टर हर्षदीप जोशी आपको ये बताएं कि मेंटली अपने आप को फिट कैसे रखा जाए, मतलब कि उनके हिसाब से काम करो, हर चीज़ हर चीज़ पे आते हैं कि मतलब स्कूल भी उनके मतलब की तरह भी चूज करो, कुछ करना उनसे पूछो कि मतलब फ्रीडम तो कुछ आती नहीं, मतलब फ्रीडम उस उनसे इसमें नहीं कि मतलब कहीं जाने में देते, मतलब हर चीज़ में टोका की करते हैं। One thing is there because of the generation gap, but अब मैं कहूँगी वो generation gap इतना कम हो गया है कि अब मुझसे कोई 4 साल छोटा भी होगा ना, वो भी एक generation gap बन चुका है। So even that has become a generation gap. Second thing is, you know, I do feel that our parents love us. They love us unconditionally. But don't expect them to love everything you do. और ये जो मतलब हमारे जो freedom की बात है ना, ये उनके लिए है कि दैट यू आर प्रॉबेबली दे डोंट वॉन्ट यू टू गो एस्ट्रे, सो प्रॉबेबली वो एक चीज़ आती है दैट दे वॉन्ट टू कंट्रोल यू, कि कहीं हमारा बच्चा बिगड़ ना जाए, कहीं एस्ट्रे नहीं हो जाए। बिकॉज आजकल हम इतनी न्यूज़ देखते हैं, देर सो मैनी केसेज ऑफ एडिक्शन, इतना मतलब पीपल किड्स दे आर फाइंडिंग शॉर्टकट्स टू डील विद देयर मेंटल हेल्थ इशूज। एंड ऑनेस्टली सेइंग, व्हेन आई टॉक इन दीज सेशंस, आई ऑलवेज से दैट नाउ let's include the parents, let's make things more inclusive, because yes, parents also need true. to be receptive to this, that what their child wants, ki bachcha kaise bada hona chahta hai with his or her own choices. So we should have an inclusive society. I agree with you that, you know, parents have that control. During my time also, when I was I wanted to do fashion designing, so you know that time that just vague statement came from relatives and all that अब इसको दर्जी बनना है, बट नाउ इट्स अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। सी द चेंज इन लास्ट 3 decades। क्वेश्चन तो एक यही था रिलेटिव्स का, और एक और था कि जो पेरेंट्स हैं वो तो हमें मतलब फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स कुछ कर, मतलब मैं ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकता कि मतलब जो वो ये सोचते हैं कि मतलब जो हम नहीं बने वो हमारे बच्चे करेंगे, जो हम नहीं कर सके वो हमारे बच्चे करेंगे, तो ये कहाँ तक मतलब अब हमारी भी एक अलग वो डायरेक्शन है, हम सब एक इंडिपेंडेंट सोच है, तो उसके रिलेटेड अगर आप कुछ मतलब क्या वो कहाँ तक सही है, क्या हम वही करें जो पेरेंट्स कहते हैं, या फिर हम अपनी डायरेक्शन पर जाएँ, हम अपने जो सोचा उसके। मैं ये नहीं कहती कि उनकी हर चीज़ को, वी हैव टू बी ओबीडियंट, वी डोंट हैव टू बी डिफाइंट, हमें उनकी हर चीज़ डिफाइन नहीं करनी। बट ये कई बार होता है कि पेरेंट्स जो हैं, जो उनके अधूरे ख्वाब रह जाते हैं, उसकी रिफ्लेक्शन अपने बच्चों में देखते हैं कि अब ये पूरे करेंगे, विच इज़ नॉट रॉन्ग ऑल्सो। दैट सपोज मुझसे कोई अधूरा रह गया कोई काम या नहीं कर सकी, प्रॉबेबली मुझे लगेगा कि मैं नहीं कर सकी, यू नो दिस इज समथिंग आई शुड वर्क 100% हार्ड, दैट प्रॉबेबली द नेक्स्ट जनरेशन वुड डू फॉर मी। सो आई गिव यू माई एग्जाम्पल, माई नानी वॉन्टेड माई मदर टू बी अ डॉक्टर, शी कुडंट बी अ डॉक्टर, सो आई वॉज द वन हु गॉट इन टू दैट प्रोफेशन। सो दिस ड्रीम आई लिव्ड ऑफ माई नानी, नॉट इवन ऑफ माई मदर ऑल्सो। सो काफ़ी हद तक वो अपनी जगह जीते हैं, बट येस यू ऑल्सो हैव योर लिमिटेशंस, बिकॉज
नाउ आई थिंक एवरी डे लाइक आई सेड अब तो जनरेशन गैप चार चार साल में पड़ता, पहले होता था 10 साल को जनरेशन गैप कहते थे, 15 साल को कहते थे, बट नाउ यू नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड योर लिमिटेशंस आल्सो, दैट हाउ डू यू कीप द पेस विद द वर्ल्ड, कि बाकी दुनिया जहाँ जा रही है आपको भी कहीं पहुँचना है, एंड यू हैव योर ओन लिमिटेशंस. बींग अ डॉक्टर, बींग एन इंजीनियर इज नॉट द ओनली प्रोफेशन नाउ, देयर सो मेनी थिंग्स पीपल आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल, बट अगेन वो म्यूचुअल ट्रस्ट हो, दैट दे हैव ट्रस्ट इन यू एंड यू लिव अप टू दैट ट्रस्ट. डोंट बी डिफाइंड, डोंट ब्रेक द ट्रस्ट ऑफ योर पेरेंट्स. इवन व्हाट अबाउट द बैरियर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, जो ही पेरेंट्स कैन गेट टू गवर्नमेंट जॉब्स. ये इस रीजन में हमारे ज़्यादा प्रॉब्लम है J&K में, कि हमें गवर्नमेंट जॉब्स नहीं जाना है, गवर्नमेंट जॉब नहीं जाना है. बट आई कीप सेइंग कि अब जहाँ पे इतनी लिमिटेशंस हैं, द वर्ल्ड हैज़ सीन क्राइसिस, फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट सीकर वी ईच वन ऑफ अस कैन बिकम एन एम्प्लॉयमेंट जनरेटर. इतने एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स आ गए हैं, सो यू नीड टू बी अवेयर. जो आप देखते हो, जो आप सर्व करते हो, शो द पेरेंट्स द सक्सेस स्टोरीज. एंटरप्रेन्योरशिप में इतने सक्सेस स्टोरीज हैं, गवर्नमेंट जॉब में क्या होगा, मतलब ठीक है इट इज़ सिक्योरिटी, बट अब तो पेंशन भी नहीं. सो यू नीड टू यू नो शो द सक्सेस स्टोरीज टू योर पेरेंट्स. प्रॉबेबली आई थिंक एन एंटरप्रेन्योर अर्न्स मोर देन अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय नाउ, सो यू कैन टेल देम दीज थिंग्स. यू नो अपने आपके अंदर, अपने अंदर जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपके अंदर जब तक ट्रस्ट नहीं आएगा, पेरेंट्स विल नॉट ट्रस्ट यू. जब वो देखेंगे कि आप एक रिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहे हो, आपका एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड अपनी लाइफ की तरफ है, वो ऑटोमेटिकली आपको सीरियस लेना शुरू करें. अगर हम खुद ही वी आर लैगिंग बिहाइंड, वी आर लेजी, वी आर टेकिंग थिंग्स कैजुअली, दे विल नेवर ट्रस्ट. फिर हमें लगता है वो क्यों नहीं हमें ट्रस्ट करते. So if with that kind of mindset, if you think like that, and then try to convince them in a positive way with many, you know, illustrations and examples, so then probably they will also come round. So that kind of thought should not be there, ki that they are not giving me space, they are not giving me, agreed. Even when we go and we try to talk to our children, so they do think, you know, okay, bas, you've come for a lecturing and something like that. So it is the general way how kids are like that. But then if you think in that terms, then probably you will turn out to be a better positive individuals, and that is how the society also will be a positive, because ultimately we only make the society. So we come up with this thing, and I think it's been a very, very interactive, very fruitful, very informative, and plus doctor has come out with very, very, you know, practical tips how to come up and solve your you know, mental health issues and other stress related issues. So thank you once again to the audience as well, and doctor, and obviously Monica also for arranging and coordinating such a fruitful and very informative program. Thank you everyone. Now we can have multiple sessions. Tapping them, we must have multiple sessions so that we come up with the more and specialized, you know, on one particular issue. And with girls, we can have a separate session in future. yeah, so that they can also come up and overcome their hesitations. Thank you so much. Thank you, ma'am.